किसानों और केंद्र सरकार के बीच सोमवार की रात को हुई बातचीत बेनतीजा होने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मंगलवार को दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीमाओं पर कई स्तर के अवरोध, कंक्रीट के ब्रेकर, लोहे की किलो और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी की तीन सीमाओं सिंघू, टीकरी और गाजीपुर दंगारोधी वर्दी में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया। मार्च के मद्देनजर कुछ जगहों पर अस्थायी जेल स्थापित की गई है। इस बार का किसान आंदोलन पिछली बार साल 2020 से 21 में हुए आंदोलन की तुलना में कई मायनों में अलग है। इस बार किसानों की मांग भी अलग है और नेतृत्व भी। पिछली बार किसानों का आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था और वो इसमें सफल भी हुए थे क्योंकि सरकार ने इन कानून को वापस लिया था और एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया था। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। किसानों की मांगों में प्रमुख मांग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाना है। सभी फसलों का मूल्य डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय हो और गन्ना भी इसमें शामिल हो। किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। साथ ही अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी मामले के अपराधियों को सजा हो। सरकार को तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों के दाम चुकाने पड़ेंगे। एमएसपी पर कानून बना तो सरकार जो एमएसपी तय करेगी उसमें कम दाम पर किसानों से कोई फसल नहीं खरीद पाएगा। अगर कोई फसल कम कीमत में खरीदता है तो कानून अपराध होगा। लेकिन एमएसपी पर कानून बनते ही सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ेगा। 2022-23 में एमएसपी पर सरकार ने 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अगर एमएसपी पर कानून आ गया तो यह खर्च बढ़कर 17 लाख करोड़ हो जाएगा। रबी खरीफ की 22 फसलों पर सरकार एमएसपी देती है। एमएसपी तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस करती है। सरकार इसी की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। देश में करीब 7% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है, जिसको लेकर किसान लगातार परेशान है। इससे पहले भी छुटपुट आंदोलन हमने देखे हैं, लेकिन इस बार आज जो फिर तस्वीर नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मानो 2020 जैसे हालात एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर्स पर हो सकते हैं।